हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी, तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरिपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। जी एक चीज़ जो मैं अक्सर अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं और मैं बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स जो अपनी सिम्टम्स को अपनी डिजीज़ को गूगल बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियोज़ देखते हैं। यकीन करें ये चीज़ें जो आप अपनी डिजीज़ के बारे में अपने सिम्टम्स के बारे में बहुत ज़रा गूगल पे जाके सर्च करते हैं, बहुत ज़रा यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखते हैं, ये आप में तशवीश का इजाफा करते हैं, एनजाइटी का इजाफा करते हैं, डिप्रेशन का इजाफा करते हैं आप में। आप इन चीज़ों से इतनाब करें जितना कितना आप हो सके। आप अपने मालिज को फॉलो करें। याद रखें जो आप यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं या जो आप गूगल पे जाके आप अपनी सिम्टम्स के बारे में डिजीज़ और अपनी मेडिसिन के बारे में सर्च करते हैं, गूगल कभी भी डॉक्टर नहीं होता, यूट्यूब आपकी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर जो होता है वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, आपका पूरा लाइफस्टाइल उसके सामने होता है, आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री आपके सामने होती है, वो आपको ऑब्ज़र्व करता है, आपका मुशाहिदा करता है, आपका मुआयना करता है और फिर आपकी इलामत आपकी कैफियत के मुताबिक आपको मेडिसिन तजवीज़ करता है। जबकि मैं देखता हूँ सेल्फ मेडिकेशन की जब बात करते हैं, जब लोग गूगल पे जाके नुस्खे देख के मेडिसिन खुद से परचेज़ करते हैं। अभी रिसेंटली एक पेशेंट मैंने देखा कि उसने, मैं तो हैरान रह गया कि उसने जब अपनी मेडिसिन जो है बेड के ऊपर फैलाई, उसने मुझे बताया कि ये देखें जी मेडिसिन जो है ये मैंने इस्तेमाल की है। और हैरानगी की बात यह है कि उसके पास 3-4 किस्म के मटीरिया मेडिकल्स उसके पास थे और वो अपनी सिम्टम्स जो हैं बुक्स में, हम तो गूगल और यूट्यूब की बात करें, यहाँ पे अनोखा केस ये था कि उसके पास होम्योपैथिक मटीरिया मेडिकल्स भी थे और वो सिम्टम्स देख के जाके खुद से मेडिसिन लेके आके परचेज करके वो दर दर यूज़ करता रहा है और डिप्रेशन का शिकार हो गया, वो एनजाइटी का शिकार हो गया, सुसाइडल थाट्स उसमें आने लग गए। तो मेरी अपने पेशेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी सिम्टम्स अपनी डिजीज़ को बहुत ज़रा गूगल मत करें, बहुत ज़रा यूट्यूब पे वीडियोस मत देखें। अभी कोविड की सिचुएशन है, कोविड में भी लोग जो हैं बहुत ज़रा खौफज़दा हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं और यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे जाके बार बार खबरें देखते हैं, कितने बंदे फौत हो गए हैं, कितने कोरोना के केसेस हो गए हैं। ये चीज़ें आप में आपको वहशत ज़्यादा करती हैं, आपकी एनजाइटी अपने तशवीश पैदा करते हैं, आपको परेशान करती है, नेगेटिव न्यूज़ है। इनसे खुद को दूर रखें, नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखें। बहुत ज़्यादा मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी डिजीज़ को अपनी सिम्टम्स को आपने गूगल पर सर्च नहीं करना, यूट्यूब वीडियो नहीं देखने, आपने सिर्फ अपने मॉलेज को अपने डॉक्टर को फॉलो करना है, यही आपके लिए बेहतर है। इंशाल्लाह आपसे बात होगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।